हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस आया है, उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपने पोस्ट कोड 13/20 या फिर पोस्ट कोड 99/20 का फॉर्म भर रखा है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आ रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे 3/11 कल का ये नोटिस है, ठीक है, रात को आया था लेट। यहाँ पे देख लेते हैं TGT, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट कोड है जिनकी यहाँ पे आंसर की आ गई। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपकी काफी पोस्ट है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 43 पोस्ट उन्होंने बता रखी है। कुछ कुछ रिपीटेड भी होंगे यहाँ तक, क्योंकि एक फीमेल वगैरह मेल वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 38/21 हो गई, 33/21 हो गई, 49/21, 47/21, 111/20, उसके बाद क्या नाम है 54/21। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है। कब से कब तक आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो तो आज से लेके यानी सॉरी कल से 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है, सिंपली आपको DSSB के होम पेज पे आना है, dssbdelhi.gov.in। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फाइनल आंसर की फॉर DSSB ऑनलाइन कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन 33 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। टोटल यहाँ पे 33 पोस्ट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे पेज पे, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 27/11/1/1/1999 जो भी है, मतलब यहाँ पे इसी फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने एक मतलब एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके बाद लॉग इन करेंगे, ऊपर सिंपली आंसर की का ऑप्शन आ जाएगा, आंसर की पे क्लिक करना और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो दोनों चीज़ के लिए आप नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।